Before solving this question, I want to tell, like the previous question I took here, AT power n, BT power n, CT power n. In that what I did here, इसको insert किया और इसके B को A के equivalent करने के लिए हमने यहाँ पर B के equivalent A को pop कर दिया and C कितने भी आए उसको हमने just unchanged करके वो कर दिया. Similarly अगर ये question कुछ ऐसा हो A की power n, B की power m, C की power m such that n is greater than equal to 1, what I will do here? A को आप as it is read करिए और Z0 को कोई change मत करिए, लेकिन फिर क्या करिए, B को stack में pop push कर दीजिए and C जैसे ही मिला उसको pop कर, क्योंकि यहाँ B जो है C के equivalent है. सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, यू कैन ट्राई दिस. नाउ आई वांट टू टेल द सिमिलरली यहाँ पर क्या है, ए की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एन प्लस वन. तो यू कैन राइट हियर ए की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एन इन टू सी की पावर एम. तो अगर आप देखें तो यहाँ पर ए जो है ये सी के इक्विवेलेंट है, सिमिलरली यहाँ पर बी की वैल्यू जो है सी. तो आई मीन यू कैन से नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ सी, दोनों का जो मिला के स्ट्रिंग है उसी के बराबर है. इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ कंटेनर लिया, कंटेनर में हमने यहाँ पर जेड जीरो है, जितने भी ए मिले हमने सबको पुश कर दिया, सबको पुश कर दिया. अब क्या है, क्योंकि यहाँ पे सी जो है इन दोनों के कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट है. अब हम बी को, क्योंकि ए के बाद ही बी आएगा, ए फॉलोड बाय बी, बी फॉलोड बाय सी है. अब जितने बी मिले हमने यहाँ पर उसे डाल दिए. आई डोंट नो कितने मिलेंगे, दिस लैंग्वेज कंटेन्स वॉट हियर, क्योंकि दोनों को मान लीजिए ए बी मैंने ले लिया, एम और एन इक्वल टू वन, देन सी विल बी सी स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. सपोज अगर मैंने ए स्क्वायर ले लिया बी, देन वॉट विल बी द सी, सी विल बी थ्री. तो लाइक दैट यहाँ पर स्ट्रिंग आएगा. तो अगर मैंने यहाँ पर एक और बी ले लिया, तो मैंने पहले ए को पुश किया फिर बी को पुश किया. जब हमने जेड जीरो को देखा तो ये आया, ए ए ने जेड जीरो को देखा, पुश किया. देन अगर बी अंदर आ रहा है तो वो किसको देखेगा, टॉप ऑफ द एलिमेंट, ए को देखेगा. एंड इसी तरह से तो हम यहाँ पे अगर डिजाइनिंग करें तो क्यू नॉट क्या होगा, क्यू नॉट से अगर हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, स्ट्रिंग में क्या है हमारे यहाँ पर ए, यानी कि अगर हमें ए मिल रहा है स्ट्रिंग में और जेड जीरो हमारे स्टैक सिंबल है, तो हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं. अब क्या है, एक ए आ गया, एक ए के बाद दूसरा ए आएगा, तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या हो सकता है, ए जो है स्टैक में ए को देखेगा, तो हमें इसे फिर से पुश करना है. और नाउ सिमिलरली यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे की ओर एक लूप बना दे रही हूँ. अब नेक्स्ट क्या है, हमारा टॉप ऑफ द एलिमेंट ए है, इसके बाद क्या आने वाला है, बी आने वाला है. बी अगर आ रहा है तो टॉप ऑफ द एलिमेंट उसने क्या देखा, आई मीन यहाँ उसे जेड जीरो नहीं दिखाई देगा, ए दिखाई देगा. तो यानी स्ट्रिंग अगर बी है, टॉप ऑफ द एलिमेंट ए है, तो हमें क्या करना है, बी ए, यानी कि उसको भी बी को पुश कर दिया अंदर. अब नेक्स्ट क्या है, जब टॉप ऑफ द एलिमेंट आपका बी आ चुका है तो अगला बी आएगा तो उसे कौन दिखाई देगा, स्टैक में बी दिखेगा, यानी बी अगर बी को देखे तो भी वो पुश हो गया. नाउ अब क्या होगा, फाइनली हमने ए एंड बी को सारा इंसर्ट कर दिया. नेक्स्ट क्या होगा, जब हमारा स्ट्रिंग में नेक्स्ट क्या दिखेगा, सी दिख सकता है. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे ही मुझे सी दिखा, अब जब सी यहाँ पर है स्ट्रिंग में तो उसको टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या दिखेगा, बी दिखेगा, ए नहीं दिखेगा. सबसे पहले सी के पीछे कौन बैठा है, बी, तो उसे टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या दिखेगा, स्ट्रिंग सी है, स्टैक में सिंबल क्या दिखेगा, बी, तो हम उसे रिमूव कर दें. नाउ हम क्यू वन स्टेट पे आ गए. अब अगर एक बी तो रिमूव हो गया, बट सी को और भी तो बी नजर आएंगे रास्ते में, जितने भी नजर आए हम सबको रिमूव करता जाएगा. तो इसके लिए हमें क्या लेना होगा, लूप. दैट मीन्स अगेन सी को कौन दिखे, बी दिखे, तो उसे रिमूव कर दे. जब बी को वो रिमूव कर देगा तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन बचेगा, बी को रिमूवल के बाद ए. अब यहाँ पर ए आया, यानी टॉप ऑफ द एलिमेंट क्या हो सकता है, यानी सी और किसको देख सकता है, सी अगर ए को देखेगा बी के बाद तो उसे भी रिमूव. आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द स्टेट बिकॉज सेम चीज है, स्टैक के अंदर से वो रिमूव कर रहा है. तो वी कैन यूज हियर मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट, डोंट यूज द मैक्सिमम नंबर. तो यहाँ पर ये, अब नेक्स्ट क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा इस सी के, आई मीन यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग अगर मैंने ये ली तो इस एक को भी, इस ए बी सी सी, ये सी इस बी के इक्विवेलेंट हो गया, ये सी इसके इक्विवेलेंट हो गया, लास्ट में साइलेंट बचेगा. यानी कि स्ट्रिंग में क्या बचेगा, फाइनली सारे सी के इक्विवेलेंट ए और बी कट गए तो स्ट्रिंग में क्या बचा है, साइलेंट. बट स्टैक का सिंबल क्या होगा, ये सारा कटने के बाद जेड जीरो. दैट मीन्स स्टैक में क्या मिला हमें, जेड जीरो. तो हम क्या चाहते हैं कि अगर स्ट्रिंग में हमारा खत्म हो चुका और स्टैक में भी ये है, तो हम स्टैक को नो चेंज कर दिया और हमने यहाँ पे कहा फाइनल स्टेट हो गया.
और इंस्टेड ऑफ अगर आप स्टैक को भी रिमूव करना चाहते हो तो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन राइट हियर जेड जीरो, और जेड जीरो को भी अगर आप रिमूव कर दें तो भी ये फाइनल स्टेट ही होगा, क्योंकि ये नल एक्सेप्टेंस पीडीए है और ये फाइनल स्टेट। अगर हमने ये स्टेट लिखी है तो ये नल फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस है, और नीचे वाला हम लिख रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द नल एक्सेप्टेंस। तो यू कैन टेक एनी वन, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन पेपर में क्या आ रहा है। तो नल एक्सेप्टेंस पूछ रहा है तो ये स्टेट होगा, अगर वो फाइनल स्टेट पूछ रहा है तो आप ये लिख सकते हैं। तो दिस इज द फाइनल आंसर हियर फॉर दिस प्रॉब्लम। नाउ सिमिलरली यू कैन डिजाइन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम हियर।